हेलो फ्रेंड्स, मैं पुखराज वैष्णव, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद पुखराज वैष्णव। फ्रेंड्स, चैप्टर 3 बायोलॉजी क्लास 12 के पहले के 2 प्रीवियस लेक्चर्स ले चुका हूं मैं, जिसमें एक में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था। आज चैप्टर 3 क्लास 12 बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के अंदर 3rd लेक्चर लिया जा रहा है, जिसका टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलाइजेशन। फ्रेंड्स, रेगुलरली आप देख रहे हैं कि कंटेंट्स वाइज जो अलग अलग टॉपिक वाइज जो लेक्चर्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं, अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और बेल आइकन टू ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में जितने भी नोटिफिकेशन थे वो सारे नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज व्हाट? इट इज अ रिपीटेड साइकिल, रिपीट इन 28 डेज एंड मेनली प्रेजेंट इन विच ग्रुप? प्राइमेट्स ग्रुप। ओके, मेंस्ट्रुअल फेज द साइकिल स्टार्ट विद द फेज मेंस्ट्रुअल फ्लो लास्ट फॉर व्हाट? 3 to 5 days। स्टार्ट एंड द प्यूबर्टी इज ऑफ द फीमेल 13 to 14 ईयर के अंदर ये स्टार्ट होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितनी फेजेस में डिवाइड किया गया, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट फेज जो है वो 1 to 5 days की है, और उसको क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, जिसके अंदर ब्लीडिंग होती है एंड इट रिजल्ट्स टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लीनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स अलॉन्ग विद द अनफर्टिलाइज ओवम। तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इज रिलीज थ्रू द वेजाइना एंड दिस फ्लूइड कंटेन व्हाट? दिस फ्लूइड कंटेन एंडोमेट्रियम लीनिंग ऑफ द यूट्रस, ब्लड वेसल्स पीसेस एंड अनफर्टिलाइज ओवम एंड सम हार्मोन। तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के अंदर होता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर हमें मेनली 2 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, इट लास्ट फॉर 3 to 5 days एंड देयर इज नो रोल ऑफ हार्मोन, एंड इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन देन व्हाट हैपन? एंडोमेट्रियम वॉल लीनिंग एंड ब्लड वेसल्स रैप्चर्ड, ड्यू टू रैप्चरिंग ऑफ दीज व्हाट हैपन? ब्लीडिंग अकर एंड इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड विद अनफर्टिलाइज्ड ओवम। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट वाइज इसको याद रखना है। सेकेंड फेज जो ले रहे हैं वो फॉलिकुलर फेज है, और फॉलिकुलर फेज जो है उसको आप रिपेयर फेज भी कह सकते हैं। उसको रिपेयर फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। जब हमने ऊजनेसिस स्टडी किया था तो हमने बताया था प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शरी फॉलिकल, एंड टर्शरी फॉलिकल ऑल्सो नॉन एज ग्राफियन फॉलिकल। एंड इन दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवम ग्रो इन मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इट मीन्स फर्स्ट फॉलिकुलर ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस फेज, सो इट ऑल्सो कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। एंड फॉलिकुलर ग्रोथ टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इज रीजनरेट, प्रोलिफेरेशन इज देयर ऑफ द सेल। इट मीन्स एंडोमेट्रियम की वॉल जो पहले ब्रेकडाउन हो चुकी थी वो वापस, एंड यूट्रस की अंदर वाली जो लेयर है एंडोमेट्रियम वो वापस बनने लगती है, प्रोलिफिकेशन होती है, उसकी ग्रोथ होती है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोलिफिकेटिव फेज। इट मीन्स द सेकेंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हैव 3 नेम, फर्स्ट रिपेयर फेज, सेकेंड फॉलिकुलर फेज, 3rd प्रोलिफिकेटिव फेज। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ पिट्यूटरी हार्मोन, दीज चेंज आर ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन FSH एंड LH, 2 हार्मोन के कारण ये होता है। मेनली फॉलिकुलर ग्रोथ जो होता है वो FSH के कारण होता है, और जो LH के कारण होगा वो LH के कारण क्या होगा कि 14th days पे जो ओव्यूलेशन होगा वो ओव्यूलेशन किसके कारण होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण होता है, व्हेन द सेकेंडरी ओसाइट कम्स आउट फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, दैट कॉल्ड ओव्यूलेशन। इट अकर्स एट द 14th day ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद में जब हम बात करें ग्राफियन फॉलिकल की, तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड थीका एक्सटर्ना एंड इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड थीका इंटरना, एंड थीका इंटरना रिलीज एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये भी आपको यहाँ पे लिखना है कि
कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो रिलीज करती है थीका इंटरना, यानी कि इस समय एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन का कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा और इस समय एक FSH हार्मोन का कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा। FSH इज द पिट्यूटरी हार्मोन वेयर एज द एस्ट्रोजन इज द ओवेरियन हार्मोन। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंटेंट लेते हैं थर्ड नंबर, रिसेप्टिव फेजेस। इसको रिसेप्टिव फेजेस भी कहते हैं क्योंकि इस समय अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो वो एम्ब्रियो जो है 8 टू 16 सेल का वो यूट्रस की वॉल में आके इम्प्लांट होगा, इसलिए इसको रिसेप्टिव फेज भी कहते हैं। इस समय कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। और इस समय कॉर्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करेगा। इट सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दैट्स व्हाई इट आल्सो कॉल्ड सिक्रीटरी फेज। तो किस तरह के तीन नाम हो गए, तीन नाम आप याद रखेंगे, यहाँ ले लेते हैं। ओव्यूलेटरी फेज हमने डिस्कस किया ही था कि 14 डेज पे जो ओव्यूलेशन सेकेंडरी ओसाइट है वो ग्राफियन फॉलिकल से बाहर रिलीज हो जाएगा, जिसको हमने ओव्यूलेशन कहा। और ये कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होते हैं। फिर नेक्स्ट जो लास्ट है ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज, जिसमें हमने आपको डिस्कस किया था कि ल्यूटियल फेज के अंदर ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होती है और एक येलोइस स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन एसेंशियल फॉर व्हाट, इम्प्लांटेशन एंड ऑल्सो एसेंशियल फॉर प्रेगनेंसी, यानी इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन इज नॉट देयर, देन अल्टीमेटली कॉर्पस ल्यूटियम इज ऑल्सो डीजनरेट एंड अगेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीटेड। तो ये होता रहता है, एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट इन द केस ऑफ डिस इंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन, फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम दे रखे हैं कि इसके अंदर ये डेज दे रखे हैं, डेज भी ध्यान रखें। अगर आपको यहाँ ध्यान रखें तो ये प्री मेंस्ट्रुअल फेज में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो लास्ट में फिर मेंस्ट्रुअल फेज वापस स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ हम ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 नंबर का क्वेश्चन क्लास 12 बोर्ड के अंदर आता है, इसके अलावा नीट के भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से नोट्स बना के आप तैयारी करें और अपने नोट्स बनाएं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दो फेज हमने पढ़ी, प्रोलिफिकेटिव, जिसका दूसरा नाम क्या है बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यस, क्या नाम है इसका, इसका दूसरा नाम प्रोलिफिकेशन यानी कि फॉलिकुलर ग्रोथ, और सिक्रेटरी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूटियल फेज। वेरी गुड, ये लिखा हुआ भी है फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। स्टेज ऑफ रिपेयर, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, इट एक्सटेंड फ्रॉम एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन टू ओव्यूलेशन, किस किस के बीच में होती है, मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन के बीच में ये फेज होती है, ये ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन के फेज में फेज होती है। LH एंड FSH इसमें इंक्रीज होते हैं, यहाँ पे LH और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ LH, द पीक कंसंट्रेशन ऑफ द LH इज कॉल्ड LH सर्ज, और LH सर्ज जब होता है तब वो किसके रिजल्ट में आ जाता है, ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम बनने के रिजल्ट में आ जाता है। यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है। एस्ट्रोजन किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, ग्राफियन फॉलिकल के बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और प्रोजेस्टेरोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, किससे सिक्रीट होता है, सिक्रीट होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, और कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी अगर होती है तो उसको स्टेबलिशमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये आपकी बुक में भी डायग्राम दे रखा है, यहाँ देखिए आप जो लैंग्वेज आप इसी से बना सकते हैं। सबसे पहले बात करें हम, ये चार फेज आप याद रखें, लैंग्वेज बनाने का तरीका देखिए, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर, ल्यूटियल, तीन फेज हो गई, ओके, और एक ओव्यूलेशन अलग से याद रख लें। चलिए मेंस्ट्रुएशन के अंदर सबसे पहले आपको यूटेराइन, पहला पॉइंट यूटेराइन इवेंट बताना है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिलीज होगा, ओवेरियन हार्मोन कोई नहीं होता है, ओवेरियन इवेंट अभी तक कुछ नहीं हुआ, पिट्यूटरी इवेंट कुछ नहीं हुआ। तो मेनली इसकी लैंग्वेज यहीं से बनेगी कि इट लास्ट फॉर 1 to 5 डेज एंड इन दिस फेज फर्टिलाइजेशन नॉट टेक्स प्लेस, एंडोमेट्रियम वॉल लीनिंग एंड रैप्चरिंग ब्लड वेसल्स रिलीज इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। अब नेक्स्ट फॉलिकुलर फेज लेते हैं, तो पहला इसका डेज बताइए, 5 to 14 डेज में होता है, एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो थिक होती है, इसके लिए फॉलिफिकेटिव फेज भी कहते हैं। इस समय जो है फॉलिकुलर ग्रोथ होती है, इसलिए इसको फॉलिकुलर ग्रोथ भी कहते हैं। इस समय FSH का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है जिससे फॉलिकुलर ग्रोथ होती है, और FSH से ग्राफियन फॉलिकल बनता है, और ग्राफियन फॉलिकल कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से आप यह डायग्राम से लैंग्वेज लिख सकते हैं। थर्ड जैसे ल्यूटियल लेते हैं, तो ल्यूटियल में उससे पहले ओव्यूलेशन लिखेंगे, तो ओव्यूलेशन 14 डेज पे होता है, और ये कौन से हार्मोन के कारण होता है, तो डेफिनेटली आप कहोगे कि ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, LH हार्मोन।
ल्यूटियल फेज के अंदर आपको तीन बातें बतानी है। पहली बात आपको बतानी है कि इसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, एलएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है। अगर इम्प्लांट नहीं होता है तो वापस जो है मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगी और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से डायग्राम से ही आप सारी बातें लिख सकते हैं, अगर आपको डायग्राम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। यहाँ देखिए, ये फिर से दे रखा है कि मेंस्ट्रुएशन, फिर उसके बाद में एंडोमेट्रियम वॉल रिपेयर होता है, फिर ओव्यूलेशन 14 डेज पे होता है, फिर वापस एंडोमेट्रियम थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होता है और फिर वापस से ब्रेकिंग डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से ये फॉलिकुलर फेज है, ये ड्यू टू एलएच है। एलएच मतलब किसके कारण हो रहा है और कौन सा हार्मोन बन रहा है उसके बारे में बता रखा है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसके बारे में और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं, नया टॉपिक है इंसेमिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इंसेमिनेशन द ट्रांसफर ऑफ सीमन इन टू द वेजाइना बाई फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स और कॉन्टैक्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, एंड द मोटाइल स्पर्म मूव थ्रू द सर्विक्स, एंटर द यूट्रस एंड रीच द एम्फुलरी स्टमेटिक जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, बिकॉज इन एम्फुलरी स्टमस जंक्शन इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये ध्यान रखिए आप कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा। फर्टिलाइजेशन में जैसे आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है कि एक स्पर्म इसके अंदर एंटर करता है, बाकी स्पर्म इसमें एंटर नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है? द ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी ऑल्सो रीचेस टू द एम्फुलर स्टोमेटिक जंक्शन, स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवम, इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन एंड ब्लॉक द एंट्री ऑफ अनदर स्पर्म दैट कॉल्ड पॉलीस्पर्मी। इट मीन्स इट वेन द वन स्पर्म एंटर इन द ओवम, द फर्स्ट मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा इंटर केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द जोना पेलुसिडा एंड फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अनदर स्पर्म। ओके, सो इट प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। द एंजाइम ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म हेल्प इन डिजॉल्व द जोना पेलुसिडा, जोनो पेलुसिडा को ब्रैक कौन करेगा? स्पर्म के आगे पाया जाने वाला एक्रोसोम जिसके अंदर एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम इसको डिजॉल्व करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन द ओवम टू गेन एंट्री द स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। तो हू डिजॉल्व द जोना पेलुसिडा? एक्रोसोम्स एंजाइम। ओके, why the second sperm unable to enter the ovum? Because there is a chemical change takes place in zona pellucida, so zona pellucida is further converts into what? A fertilization membrane around the ovum, and the fertilization membrane prevent the entry of another sperm. The entry of sperm induces the completion of second meiosis in secondary oocyte that result in the formation of haploid oocyte and second polar body. ये इंटरेस्टिंग चीज है कि जब स्पर्म एंटर करता है उस समय जो ओवम रहता है वो सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्म में रहता है, लेकिन स्पर्म के एंटर करने के बाद में आपको जैसे पहले भी डिस्कस किया था, द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट इन द स्पर्म इंड्यूस द सेकेंड मियोसिस ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट, दैट्स वाई ओटी इज फॉर्म एंड सेकेंड पोलर बॉडी इज फॉर्म। नहीं तो अगर जब तक स्पर्म एंटर नहीं करेगा सेकंड मियोसिस उसके अंदर नहीं होती। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इवन बिफोर द न्यूक्लियस ऑफ ओटीडी इज ऑर्गेनाइज इट फ्यूज विद द स्पर्म न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म डिप्लॉइड एग, उसके बाद में ओटीडी का न्यूक्लियस स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है एंड इट कॉल्ड सिंगेमी एंड फर्टिलाइजेशन। सो फ्रेंड्स, आज के इतने ही टॉपिक लिए जा रहे हैं, नेक्स्ट और आगे इसके और भी टॉपिक लिए जाएंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, लाइक वाला बटन दबाएं, बेल आइकन टू ऑल वाला बटन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। सो गुड डे टू ऑल।